भाई लोगों कैसे हो। तो स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केयर फॉर यू। फ्रेंड्स आज मैं मौजूद हूँ आपके लिए एक और नई रेमेडी लेके। तो फ्रेंड्स आज की हमारी रेमेडी होने वाली है कि हम शैम्पू के अंदर बस ये तीन चीज़ें मिला लें तो हमारे बालों की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स आज की हमारी रेमेडी होने वाली है हेयर ग्रोथ के ऊपर, या फिर आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर झड़ चुके, या आपके बाल लंबे नहीं हो पा रहे, या आपके बालों में डैंड्रफ मौजूद है। तो फ्रेंड्स आज की रेमेडी आपकी ये सारी परेशानी बड़ी आसानी से ख़त्म कर देगी। तो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको लेना है खाली बॉल, और उसके अंदर फ्रेंड्स हम ऐड करेंगे शैम्पू। तो फ्रेंड्स आप कोई सा भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं जो भी आप अपने बालों में यूज़ करते हो, और फ्रेंड्स उतनी मात्रा में लें जितनी मात्रा में आप शैम्पू यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे रोज़ वाटर। तो फ्रेंड्स रोज़ वाटर आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और आपके हेयर के लिए भी। फ्रेंड्स ये आपके बालों के स्कैल्प के अंदर जाता है, आपके बालों के स्कैल्प में जितनी भी धूल मिट्टी होती है उन सबको दूर करता है और आपके स्कैल्प को एकदम क्लीन बना देता है। तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधी चम्मच रोज़ वाटर। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे लेमन। तो फ्रेंड्स लेमन के अंदर साइट्रिक एसिड होता है, इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जिससे कि आपके बाल स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग हो सके, और ये आपके बालों के स्कैल्प को भी साफ करती है और आपके बालों को मजबूत बनाती है। तो फ्रेंड्स हम इसके अंदर 10 से 12 बूंदें इसकी लेमन की डालेंगे। तो फ्रेंड्स एंड में हम इसके अंदर डालेंगे विटामिन ई। तो फ्रेंड्स विटामिन ई आपको मार्केट में दो टाइप के मिल जाएंगे, एक तो बिल्कुल जेल टाइप में आपको डब्बे में मिल जाएगा और एक आपको कैप्सूल मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको 250 का पड़ेगा और ये पैकेट आपको 10 से 12 रुपये में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप कैप्सूल यूज़ कर रहे हैं तो एक कैप्सूल का जेल फ्रेंड्स आपको इसके अंदर ऐड करना है रेमेडी में। अगर आप डब्बे वाला विटामिन ई यूज़ कर रहे हैं तो फ्रेंड्स इसकी आपको 15 से 20 बूंदें इसके अंदर ऐड करनी है। तो फ्रेंड्स इस टाइम में कैप्सूल वाला इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने इसको ऊपर से काट लिया है सीजर से, अब मैं इसका जेल आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक कैप्सूल के अंदर इतना जेल हमें मिला है। तो फ्रेंड्स ये सारा जेल हम इस रेमेडी के अंदर ऐड कर देंगे, और फ्रेंड्स इस रेमेडी को फिर हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स विटामिन ई आपकी स्किन के लिए और आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये आपके बालों के अंदर चमक लेके आता है, आपके बालों में से जितनी भी पुरानी से पुरानी धूल मिट्टी होती है उसको दूर करता है, आपके बाल बेजान पड़े रहते हैं, आपके बालों में चमक नहीं होती फ्रेंड्स, तो विटामिन ई आपके बालों को चमक देगा। तो फ्रेंड्स ये रेमेडी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, अब मैं आपको बताता हूँ आपको इसका यूज़ कैसे करना है और कब करना है। तो फ्रेंड्स इस रेमेडी को आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स जब भी आप नहाने जाने वाले हों आप इस रेमेडी को बना लीजिए, ये 3 से 4 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स जब ये बन जाए तो फ्रेंड्स इसको आपको रखना नहीं है कि आप आधे घंटे के लिए इसको बना के रख रहे हैं फिर आप लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स जब ये बन जाए तो इसको आपको फ़ौरन लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 5 मिनट रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप इसे अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए। नॉर्मली जैसे आप शैम्पू यूज़ करते हैं आपको सेम वैसे ही यूज़ करना है, बस आपको इसको अपने बालों में 5 मिनट लगा के रखना है। तो फ्रेंड्स 5 मिनट के बाद आप अपने बालों को धो सकते हैं। जब आप बाल धो लें उसके बाद फ्रेंड्स आपको ऑयल लगाना है। तो फ्रेंड्स आप थोड़ा सा ऑयल अपने बालों में लगा लीजिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने बालों में ऑयल नहीं लगाते, तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा ऑयल लगाना ही लगाना है। और फ्रेंड्स जब ये हफ्ते में आप 2 से 3 बार इस्तेमाल करेंगे आपको एक हफ्ते में इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, आपके बालों में एक चमक होगी, आपके बाल लंबे होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके बालों से डैंड्रफ दूर होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके बाल जो झड़ रहे हैं टूट रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी रेमेडी, आपको हमारी रेमेडी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।